नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिका पांडे। पढ़ते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। गणतंत्र दिवस को लेकर अजमेर जिले भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर जिला पुलिस द्वारा सभी होटलों की तलाशी ली जा रही है। बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की तलाशी के साथ ही हो रही है आईडी सहित जरूरी दस्तावेज की जांच। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जयपुर में पकड़ा गया था आतंकी, जिसको देखते हुए अजमेर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल रात से ही पुलिस ने शहर सहित जिले के सभी मुख्य पॉइंट पर बैरिकेड लगाते हुए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अजमेर जिले सहित गणतंत्र दिवस पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो, इसको लेकर रेस्टोरेंट व होटल के मालिकों को आग्रह किया गया है। साथ ही चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ धरपकड़ भी शुरू कर दी है। पुलिस थाना क्लॉक टावर, श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार और श्रीमान आईजी साहब के निर्देशानुसार 26 जनवरी के पर्व को मद्देनजर रखते हुए देश की सुरक्षा के हिसाब से अभी होटलें और ढाबे चेक किए जा रहे हैं और बड़ी गहनता से चेक किए जा रहे हैं, जिसमें हमने आज यहाँ कस्बे की जो हमारे थाना क्षेत्र की जो होटलें हैं उन सबको होटलों में चेक किया है और एक एक व्यक्ति को हमने जो है फिजिकली चेक किया है और रजिस्टर चेक किया है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और बड़ी मतलब गहराई से जाँच की जा रही है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें।